बंदे परेशान हो गए, खलाई मखलूक आ गई तो गई है। ड्राइवर चेंज हो गया हमारा, तीन बंदों के पास लाइसेंस हो, यही फायदा है। अग लगी उस्ताद जी रेट नु ते ना, उन्हें देखो पूरी फर्नो लाई हुई है, पूरा किचन। हां जी लंच कर रहे हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल है, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सेमियां खा रहा हूं, अब हम निकलने लगे लंबे टूर पे। कहाँ पे जाने के रास्ते में बताता हूँ। ईद अभी नमाज पढ़ के हूँ, पिछले व्लॉग में देखा होगा आपने। अब हम निकल, पहली दफा जा रहा हूँ अपनी गाड़ी पे इतने लंबे सफर पे, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। अल्लाह करे स्टेशन वापस से पहुंच जाए, बहरहाल बाकी बातें गाड़ी में जाके होती है। पैदल आ रहे हैं यहाँ पे आके रुके हैं। मैं कहा मार्केट से कोई सामान वगैरह लाओ, बीच में रस्ते में भूख लग जानी है, ड्रिंक्स वगैरह होना आसानी होगी। ये भाई के पास भी लाइसेंस है, मेरा रूममेट आप जानते होंगे। एक है देखो चौधरी साहब, भाई क्या हाल है भाई, इलाका अलीपुर चट्ठा ही है। नाम क्या भैया आपका? मेरा नाम उस्मान है। अच्छा, मैं और चट्ठा दोनों एक इलाके से है, और शानी हमारा भाई है। हम जब से इटली में आए हम इकट्ठे रह रहे हैं। इसको फॉलो करो और लाइक करो, जितने सब्सक्राइबर मेरे हैं सब इसको फॉलो। क्या मुझे आ रहे हैं वेरोना। टिकटॉक में मैं वीडियो देख रहे थे, वो बैठे हुए एक रेस्टोरेंट की ना, कि वहाँ पे मेन्यू शेन्यू बनाया हुआ था उन्होंने, तो साफ लो अब 300-400 किलोमीटर करके हम जा रहे हैं वेरोना। गाड़ी ली है, मैंने कहा कोई फायदा ही हो जाए, छुट्टी है साथ इंजॉय करते हैं, चलो पहली रोड ट्रिप हो जाएगी। तो अब निकले हैं, देखते हैं कितनी देर तक पहुंचते हैं। मौसम गर्मी है, धूप बादल भी है, साथ साथ बादल भी हो गया, कभी गर्मी कभी बादल। ठीक है निकले आप, देखो कितनी देर में पहुंचते हैं, फिर रास्ते में मुलाकात होती रहेगी आपसे। आ जाओ चलते हैं। ये भाई के पास भी नया पतंते है, वो भाई के पास भी नया पतंते है, मेरे को नवा पतंते है, नवे नवे बंदे ऑटो स्ट्राडा दे है। एडे प्यारे रोड ने कसम, चार कुर्सी ने पाकिस्तान है सर रोड। स्नैक बार पिज़्ज़ेरिया चार, एक दो तीन चार, एक तो दूसरा वो तो इमरजेंसी है ना, दूसरा है ना, एक दो तीन जी सीधी लाइन चल रही है, कंटिन्यू जाके कट जाना है। पहले पहले भी आया गाड़ी दे, मेरा ट्रेन ते गया, मैं आज दो गया, मैं ट्रेन दे सफर किया वो चार पांच। क्रोशिया का ट्रक है, चलावे तेरे भरा दे ऐसा ऐसा ट्रक ले, बड़े बड़े मुल्क करते हैं। हां ना, रह गया 1.5 घंटे का सफर। बस ले रहे चाचा, हम बंदा नहीं समझना भाई को, दुबई में टैक्सी चलाते रहे हैं, पहुंचने वाले बस 1 घंटा और 18 मिनट का सफर रह गया। ना टेंशन नहीं लेनी, ब्रेक तो बाद थानू मिलते रहेंगे, इधर तुसा साडे नाल जुड़िया रहने। तुसाई ताडी वीडियो नहीं आ रही, बस आवाज ही आ रही है, आवाज ही साडी बड़ी। आ दे लो, आ केड़ा रेडियो साहब डोल, गोप्रो लाया तेरे भरा दे। ओ भाई आ गए, एरिया दी सर्विस ही हो, इथे ला दियो। बड़ी महंगी चीजें हैं यार इधर, पानी की बोतल ले लो 3 यूरो, 2 यूरो 60 सेंट, बड़ी बड़ी महंगी चीज है, मार्केट है पूरी। अग लगी उस ताजी रेट नु ते, किने दी पानी दी बोतल दीती है इतने रेट नहीं ना, और टैक्स भी तो देना ना, सारी बात है मिंदू का पता नहीं पा लगता। आ उत्तर ढक्कन खोलो, रह गना चटा नु फीडर दी तरह चूसना, जे पूरा भरा हुआ है, सारे गाड़ियां लगा के इधर रेस्ट करते हैं सारे, ये रेस्ट एरिया भरा हुआ है, सारे ट्रकों के पौजे कर रहे हैं, मतलब ब्रेक कर रहे हैं सारे। सर आ जाए, चलो यार वापस निकलिए, चाबी चकिए थलो, आए फ्रेशमेंट हो गई है, रेस्ट मिल गया थोड़ा। लो भाई बैक टू रोड, वापस निकल गए, अब हम 1.5 घंटे का सफर रह गया, पहुंचते हैं। मैं भी पहली दफा उस सिटी में जा रहा हूँ, देखते हैं कैसी सिटी है, क्या है। त्रिस्ते जैसी नहीं होनी उस्ताद जी, त्रिस्ते वाली साड़ी सिटी, और वहाँ जो भी त्रिस्ते से जाती है ना वो मैसेज करके कहती है भाई त्रिस्ते जैसी सिटी नहीं हमने देखी आज तक।
ਪੈਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂ ਜੀ 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗਲੋਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਰਾਂ ਮਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਨਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾ ਲਾਂਦੇ ਬਾਲਾ ਸੋੜਾ ਯਾਰ ਆਹੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਟਿਕਟ ਚੜੀਏ ਟਿਕਟ ਚੜੀਏ ਨਹੀਂ 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 ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਕਾਹ ਉਹ ਟਿਕਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਯੂ ਤੋਂ ਕਰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਟਿਕਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਓ ਟਿਕਟ ਆਹੋ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 19 ਯੂਰੋ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੈਂਕੋ ਨੋਟ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹਨ ਕੇ 70 ਯੂਰੋ ਜ਼ਕਾਤ ਲੈ ਲਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ 70 ਯੂਰੋ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰਚੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਪਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਨੇ ਹਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ फाइनली पहुंच गए हैं लीलो कुमार हो गए मोटर पे पहले चढ़ाती आवाम दूर ही नजर आ रही है भाई इधर पार्किंग लो है कि नहीं 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 लाओ लाओ ओए ओए ओ मैं कम स्टार स्टार और पेंट कोट पा के बैठे आके आ जाओ बाबा जी इतने ही सारे हूं हालात लग रहे हैं जिथे नुक्कर ते बनाया है ने काम माड़ा ही लग रहा है अगले शहर ही चल रहे हैं उस्ताद जी रिश्ते तो आए हो तो जड़िया नहीं कुछ जिड़ा तू सफर करके आए हो ना ए भाई हुरी मिल गए वरोना के इनके वाका में कितने साल तो जानते हो साहब 7-8 साल बाद मिले वो भाई हुरी मुझे जानते हैं थैंक यू सर खिदमत लई ਸਾਜੂ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਐਸੀ ਆਸਾਨ ਕਿ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਰਾ ਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸ਼ਜ਼ਾਦਾ ਬਾਜਨਾ ਸ਼ਜ਼ਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ WhatsApp ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਆ ਓਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਚੰਗੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹ ਲੜਕੇ ਕਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਸਕਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਲਿੰਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਲੜਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕਸਮ ਸੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਖੂਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਏ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਹਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ खाना बड़े मजे का था यार अच्छा लगा कसम से खा के वो जो इससे मकसद के लिए आए थे ना वो मकसद पूरा हो गया मैं शरा खा के मजा आ गया अब जा रहे तड़ा कजन है भाई कजन सारा कुछ इसके कजन की तरफ जा रहे उसे बताया नहीं है हम क्या आ रहे हैं सरप्राइज विजिट सरप्राइज विजिट ठीक है सुबह ही इसने उन्हें कॉल किया कहता 5 किलो बकरा बना रहे हैं हम उन्हें नहीं पता सुबह कॉल किया हम त्रिये तिस्ते में ही थे अब जाके देखते क्या बनता है क्या रिएक्शन सीधा दरवाजे पे बजना हमने जाके है तकरीबन थोड़ा सा ही रास्ता है 40 मिनट का रास्ता बता रहा 70 किलोमीटर वही फिर ड्राइवर चेंज हो गया हमारा तीन बंदों के पास लाइसेंस हो गया ही फायदा है एक खतरा एक थका दूसरा आ गया तो सबसे ज्यादा गाड़ी इन्होंने चलाई है उसके बाद थोड़ी सी मैंने चलाई है उसके बाद इन्होंने चलाई है पहुंचने वाले तकरीबन कितना रह गया देख लो मेरे ना थोड़ा सुता जानी 9 मिनट रह गए 4 यूरो 10 सेंट साठ दो बीच रसीद कटना बंद कर दो ना आप ही हो गया कहती मगर हो लो यार पब्लिक इधर आए हैं कोई नहीं सुनाटे है यार मैं कोई देखने वाली जगह होगी कोई फिरने फिरने की कोई जगह नहीं है फिरने की निकलने की कहीं तो यहाँ पे आके बैठे हैं वो अंदर बैठे हुए मैं बाहर आया हूँ जरा छाव में नींद आ रही है कसम से नींद से मत भाजी है कल भी नहीं मैं सोया इतना 4-5 घंटे आज भी 4-5 घंटे सोया हूँ अब नींद आ रही है ऐसी आपकी सोच हो रही तो बैठे आप बस यही है यहाँ से मिल छिल के अब इनसे निकलेंगे वापस की 4-5 घंटे की ड्राइव है देखते हैं अब क्या करना ही ना कहता हूँ कि यार कहीं बाहर निकलते हैं घर बैठ के क्या है यार हाँ ना कहीं बाहर चलते हैं देखते हैं पूछता हूँ क्या सीन है क्या नहीं है आज बंदे परेशान हो रहे खलाई मुखलू कहा की तो गई है लग जाते इन्होंने हिम्मत कैसे कर ली थी इस साइड पे हाल थी सफर कर करके वापसी जा रहे त्रिस्त रह गए 200 किलोमीटर घर की तरफ बहरहाल अच्छा सफर रहा मजा आया ना वो देखो ये ऑटो ग्रिल बने हुए हैं ऑटो स्टॉप यहाँ पे रुके हमने कहा थोड़ा रेस्ट कर ले पेट हल्का कर लिए अंदर चलते दिखाता हूँ आपको अंदर क्या सीन है पहले से इतना दिखाई नहीं
ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ 19 ਤੇ 4 23 थकावट इतनी हो गई थी, पार्किंग भी नहीं मिली इतनी ज्यादा तो पार्किंग में थकावट हो गई थी। फिर मैं आके सो गया, सुबह काम पे चला गया, फिर आके सो गया, फिर दोबारा काम पे जा रहा हूँ। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दे। खास तो कुछ नहीं था, लोग दिखाए भी नहीं, मिलाए भी नहीं मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे लोग यार बहुत सारे शर्माते हैं। इंशाल्लाह आगे से सोलो ट्रिप पे जाया करूँगा, अकेला जाया करूँगा, आपको सही तरह दिखाया करूँगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लाइक सब्सक्राइब कर दो, दुआ में याद रखना। उम्मीद है आप सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी। ओके जी।